किश्तों वाली जिंदगी। आज के इस आधुनिक दौर में मानो हमारी जिंदगी किश्तों में गुजरती नजर आती है। आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम टीवी, फ्रिज, मशीन इत्यादि वस्तुएं किश्त पे लेते हैं, वैसे ही जिंदगी की किश्तों की तुलना भी पैसों से ही होती होगी। पर नहीं, जीवन की किश्तें कुछ और नहीं बल्कि हमारा समझौता, त्याग, चिंता, ईर्ष्या, अकेलापन, समय का अभाव है। यही तो हमारी जिंदगी की असल किश्तें हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन किश्तों से रूबरू होते हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि उनके जमाने में कोई मशीन नहीं होती थी, सब काम इंसान खुद करता था। इसके बावजूद भी वो अपने परिवार को पूरा समय देता था, बच्चों के साथ खेलता था, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट लेकर अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करता था। कमाई भले ही कम होती थी पर उस कम कमाई में भी वो अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जीता था। अपनी जिंदगी को किश्तों में न जीने की शर्त वो खुद तय करता था। शायद इसलिए ही हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ ही लेता था। आज मशीनों का दौर होने के बावजूद भी इंसान कम समय में ज्यादा कमाने की, अपने जीवन को और रोमांचक बनाने की, सबसे आगे निकलने की दौड़ में भागता जा रहा है। यह सब करना गलत नहीं है, सबको हक है जिंदगी में आगे बढ़ने का। पर इस आगे बढ़ने के चक्कर में, इस भाग दौड़ में, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के चक्रव्यूह में इंसान ऐसा फंस गया है कि उसे पता ही नहीं लग रहा है कि वो जिंदगी की लालसा नामक किश्त में डूबता जा रहा है। कम में खुशियां ढूंढने की बजाय वो ज्यादा की अपेक्षा में खो गया है। सबकी जिंदगी में इम्तिहान होते हैं, वक्त आने पे सबकी किस्मत बदलती है। पर हम अपनी किस्मत खुद के कर्मों से बदलने के बजाय दूसरों की बदलती किस्मत से, तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या जिंदगी की एक ऐसी किश्त है जो हमें दूसरों का बुरा सोचने पे मजबूर कर देती है। हम अपना अच्छा सोचने के बजाय सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं और इसी के चलते अपनी जिंदगी को ईर्ष्या नामक किश्त के हवाले कर देते हैं। वास्तव में किसी को पढ़ाई की चिंता है तो किसी को नौकरी की, किसी को अपने स्वास्थ्य की तो किसी को अपने भविष्य की। अमीर हो या गरीब, चिंता तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी के पन्नों में हर रोज एक नया अध्याय जुड़ता है। किसी को इस अध्याय से कुछ सीखने की चिंता है तो किसी को इससे दूर भागने की। इस चिंता नाम की किश्त के वजह से इंसान अपनी जिंदगी को खुशहाल बना ही नहीं पाता है, धीरे धीरे इसमें फंसता चला जाता है। कल किसने देखा है? हर इंसान को अपना आज कैसे सुंदर बनाना है इसकी कल्पना करनी चाहिए। पर नहीं, हम अपने वर्तमान को ना जी के अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के चक्कर में अपने वास्तव से मिलने वाली खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। अच्छे कल की ख्वाहिशें हमें वर्तमान से मिलने वाले लाभ का त्याग करा देती हैं। यकीन मानिए, ये त्याग कुर्बानी भी जिंदगी की किश्तों में से एक है। दिन पे दिन ये किश्तें हम पर हावी होती जा रही हैं। इंसान इन किश्तों के बोझ तले दबता जा रहा है। अब हमें जरूरत है अपने जिंदगी में किश्तों के साथ साथ खुशियों का संतुलन बनाए रखने की। इन जिंदगी की किश्तों को ध्यान में रखकर कुछ चार पंक्तियां में प्रस्तुत करना चाहूंगी। ज्यादा पाने की आकांक्षा में जिंदगी बिताए जा रहे हैं, कुछ नया हासिल करने की चाह में बस भागे जा रहे हैं। सपनों के लिए अपनों को पीछे छोड़कर समझौता, त्याग, चिंता, ईर्ष्या, अकेलेपन, इन्हीं किश्तों में जिंदगी जिए जा रहे हैं। धन्यवाद।